आई कैंप में शरीक 24 पाकिस्तानी बच्चों की वतन वापसी। टीडीएफ सेंटर में दाऊद फाउंडेशन की जानिब से नन्हे साइंसदानों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब मुनाकिद हुई। तफसीलात बताएंगी हमारी नुमाइंदा हमना निसार। बिल्कुल जी, इस वक्त मैं रेलवे क्वार्टर टीडीएफ सेंटर में मौजूद हूं और यहां पे पाकिस्तान के वो 24 बच्चे जो नासा के सफर पे गए थे वो वापस आ चुके हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए यहां तकरीब का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ ये छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं, उनकी टीचर भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम टीचर से बात करते हैं। जी मैडम, बताइए अपने बच्चों को वहाँ देखते हुए कितनी खुशी हो रही है? मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है कि वो बच्चे जिनको मैं पढ़ाती हूँ और जिनके साथ मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम किया, वो इस काबिल हो गए कि ये मुकाबला जीत सके। और इस मुकाबले को जीतने के बाद हमें नासा जाने का जो मौका मिला, ये तो हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगा। वहाँ जाके बच्चों ने जो एक्सप्लोर किया, जो लर्निंग की, और सिर्फ बच्चों की नहीं हमारी भी बहुत ज्यादा लर्निंग हुई, क्योंकि वहाँ पर हमें परमिशन मिल गई थी रॉकेट सेंटर पर जाने की। तो रॉकेट सेंटर पर जाकर जो मैंने एक्सप्लोर किया, जो मैंने सीखा, वो भी एक इनक्रेडिबल मोमेंट है मेरे लिए। अच्छा, ये बताइएगा कि एज अ पाकिस्तानी आप पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहती हैं? नन्हे नन्हे बच्चों को कौन सी तब्दीली की जानिब देखना चाहती हैं आप? हम यही चाहेंगे कि जो दुनिया हम देखकर आए हैं अलेबामा के हंट्सविल में, जो हम देखकर आए स्पेस कैंप, और जितना वहाँ पे हमने देखा है कि वो लोग जितने ज्यादा हो चुके हैं आगे, तो हम अपने मुल्क को भी चाहेंगे कि वो पाकिस्तान जो है वो इतना आगे बढ़ जाए, और जितना मतलब वहाँ बच्चों ने सीखा है वो यहाँ अप्लाई करके अपने मुल्क को भी उनके इक्वल कर दें। इसके अलावा यहाँ पे ये नन्ही नन्ही बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताओ, सबसे पहले आपका नाम क्या है और क्या एक्सप्लोर किया वहाँ नासा जाकर? मेरा नाम सबीहा मोहसिन है। मैंने वहाँ जाके बहुत से मिशन और एक्टिविटीज की, जिसमें बहुत मजा आया। एक थी मून वॉक, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे मून पे वॉक कर रहे हैं, और एक थी ग्रेविटी चेयर, उसमें बिल्कुल ऐसा था कि ग्रेविटी जैसे मून पे नहीं होती है, स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, वैसे ही इसमें भी ग्रेविटी, हमको ऐसा फील हो रहा था कि बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं है। अच्छा, उसके अलावा ये और एक बहुत छोटी सी बच्ची मौजूद है, बताओ सबसे पहले नाम क्या है, क्या एज है तुम्हारी और कैसा लगा तुम्हें नासा में जाके? माय नेम इज हमना इकबाल, आई एम 9 ईयर्स ओल्ड। और ये बताओ कि गई थी, क्या क्या सीखा वहाँ, क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की आपने? हमने वहाँ पे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर की, हमने वहाँ पे बहुत सारे रॉकेट्स भी देखे थे। अच्छा, और आप बताओ आपका नाम क्या है, क्या चीजें एक्सप्लोर की तुमने नासा जाके? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुलसमा कैसल है और मैं केमे स्कूल से बिलोंग करता हूँ। हमने बहुत सी चीजें एक्सप्लोर की नासा हंसल जाकर, जैसे कि ना वहाँ के शहरों में मतलब गंदगी नहीं होती, हरियाली ज्यादा है, हमारे यहाँ पे हरियाली कम है, गंदगी ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ जाके हम जो एक्सप्लोर किए और अपनी सफाई सुथराई, हम मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान को उससे भी अच्छा बनाऊँ। बेहतरीन, यहाँ बच्चों का जज्बा इस कदर पुरअज़म नजर आ रहे हैं ये लोग के, यहाँ पे जिस तरह जो चीज जाके उन्होंने नासा में देखी, एक्सप्लोर की, और वहाँ पे जाके जो उन्होंने एनवायरमेंट देखा है, तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं और काफी ये जज्बा लेके आए वापस के पाकिस्तान को उससे भी बेहतर बनाएंगे। जी, सिंध हाई कोर्ट ने नॉर्थ